लाइनिंग वाला भी बना लिया, अब इसको अटैच कर देंगे, वो मैंने अलग से बना लिया है। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका टेलर मास्टर जी की क्लास में। आज मैंने मशीन को निकाल लिया है बहुत सदियों के बाद। बहुत बार प्लान बनता है कि कुछ करूं, फिर वो बेचारा रह जाता है अंदर ही, पर आज जैसे कैसे भी हमने करना शुरू कर लिया है। मैं बनाने वाली हूँ एक आउटफिट, जो फैब्रिक मैंने मुझे लगता है कि बहुत समय पहले लिया था। सो, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको एंड में प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, लाइक आउटफिट अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ बताना। और अगली चीज़ ये ज़रूर करना कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना। सो यस, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो, हम शुरुआत करेंगे डिज़ाइन से कि हमें कैसा आउटफिट डिज़ाइन करना है। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं, और इसलिए इस पर मैंने सोचा है कि मैं ड्रॉ कर लूँगी पहले, जो मेरी आँखों को अच्छा लगेगा हम वही स्टाइल डिज़ाइन करेंगे। सो, सबसे पहला काम हम यही करने वाले हैं। So this is third style. One is like, क्योंकि ये मुझे पसंद है, and number two. Actually, you know what? I like this one. I think I'm gonna look pretty in this style. मैं ये बनाऊंगी. So yeah, this number one is winning. So this is the fabric जिसके साथ हमें काम करना है, और ये लेस वाला फैब्रिक है, और मेरे पास लाइनिंग भी है कॉटन की, और इन्हें एक्चुअली मुझे आयरन करना पड़ेगा क्योंकि ये हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत समय से पड़ी है ये। सो, अब हम इससे सबसे पहले निकालेंगे हमारे सूट के लिए कपड़ा। सो, मुझे सूट जो मैंने डिज़ाइन पास किया है उसकी लेंथ बहुत कम है, लाइक 32 रखूँगी मैं। सो, उसको निकाल लेंगे, देन आर्म्स, देन बाकी बचे हुए सारे कपड़े को हम एडजस्ट कर लेंगे हमारे प्लाजो में। ओके, सारा कपड़ा हो गया है सॉर्ट आउट, सारी चीज़ें हो गई हैं, बस मेरे पास एनोजा कपड़ा बचा है। अब हम स्टिचिंग का काम शुरू करेंगे। पहले मैं अपनी बॉटम्स को स्टिच करूँगी, और देन हम हमारे कमीज़ का ड्राफ्ट करेंगे। और मैंने आर्म्स के लिए अच्छा खुला कपड़ा रख लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अम्ब्रेला किस्म की आर्म्स चाहिए। तो देखते हैं एंड रिज़ल्ट कैसे आता है। अब मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, देन हम स्टिचिंग को जारी रखेंगे। ओके, सो मैं कटिंग करके ऊपर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं सिलना चाहूँगी बॉटम, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा जो जोड़ पड़ेगा वो लगा लिया है ऑलरेडी। बॉटम में हमेशा जोड़ ज़रूर पड़ता है, क्योंकि मेरी टांगें थोड़ी ज़्यादा लंबी हैं। मेरी बॉटम की लंबाई होती है 41, और ये कपड़े का जो अर्ज़ है वो बहुत कम था, तो मैंने दूसरी तरह से काट लिया है इसको। फिर भी जोड़ पड़ा है, पर या इतना नोटिस नहीं होगा। सो, वो मैंने कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टिच कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि कैसी फिनिशिंग आती है, देन बेल्ट लगा लेंगे। तो मैंने क्विक खाने की ब्रेक ले ली थी, मैंने बनाए थे मोमोज नहीं, एक्चुअली जो डम्पलिंग्स है उसको मैंने आज क्रीमी सॉस में बनाया था, खाया है, मज़ा आ गया। और टायर्ड हूँ पर काम तो करना है।
सो मैं दोबारा से आ गई हूँ। मैंने इस पर बेल्ट लगा ली है मेरे प्लाजो पे, अम्ब्रेला कट प्लाजो पे मैंने बेल्ट लगा ली है। अब मैंने लाइनिंग वाला भी बना लिया, अब इसको अटैच कर देंगे। वो मैंने अलग से बना लिया है, इसमें अंदर डाल के दोनों को अटैच कर देंगे, क्योंकि लाइनिंग वाले की मैं उतना ज़्यादा बड़ा तो बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इतना कपड़ा उसमें तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। सो होपफुली ये काम करेगा। और अब हम करेंगे इन दोनों को अटैच। यस, सो दिस वे हो जाएगा ये पूरा। अच्छा प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका डे टू में। कल हम सक्सेस हो गए थे हमारा बॉटम बनाने के लिए, कंप्लीट हो चुका है वो। और आज मैं बनाने वाली हूँ शर्ट, लाइक टॉप, और उसकी भी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी मैंने। उसको कपड़ा जो जितना मुझे चाहिए था वो मैंने कट कर लिया था, बट अब हमको ड्राफ्ट करना है। कल तो मेरा प्लान था कि मैं जो टॉप बनाऊँगी उसमें मैं कार्ड्स रखने वाली हूँ, लाइक चाक बोलते हैं उसको, पर आज मेरा प्लान कुछ और बन रहा है। देखते हैं कि कैसे सक्सेस होता है। सो सबसे पहले कटिंग करेंगे उसकी, देन उसको सिलेंगे, और देखते हैं कि आउटकम कैसी आती है। आज उम्मीद है कि हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। सो आज मैंने मेरे बालों को धोया है सो इसलिए वो ऐसे लग रहे हैं। जब वो अच्छी तरह एयर ड्राई हो जाएंगे तो मैं उनको स्टाइल करूँगी, और एयर ड्राई करके मेरे बालों को स्टाइल करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मेहनत कम होती है और हीट डैमेज कम होता है, और मेरे बालों की जो फिनिश आती है वो बहुत अच्छी आती है, लाइक बहुत शाइनी लगते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मेरे बाल एक्चुअल में कैसे हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा काम लगता है। सो यही करेंगे हम। और मैं अपने लिए बनाना लेके आई हूँ यहाँ पे मेरी ब्रेक में खाने के लिए, क्योंकि अब मैं नीचे जाने वाली नहीं हूँ। और आज कुक करने वाली थी मैं बैंगन का भरता, पर वो मैंने कुक इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर मेरा बहुत ज़्यादा समय कुकिंग में चला जाता है, एनर्जी बहुत लिमिटेड सी है मेरे पास, या मैं उस चीज़ में यूज़ कर लूँ या फिर इस चीज़ में यूज़ कर लूँ। तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि ब्रेकफास्ट का आप मैनेज कर लेना, तो मैं एक मील बना दूँगी, और हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट का मैनेज नहीं किया, तो मैं ही करा के आई हूँ उन दोनों को। एग ब्रेड खाए हैं हमने, मैंने बॉयल एग के साथ टोस्ट खाया है। सो या मैं मैनेज करके आई हूँ, और कम ही काम किया है मैंने, क्योंकि फिर मैं थक जाती हूँ। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं बार बार थक जाती हूँ क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है आपको नो रीज़न से। और थकावट ऐसी होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम कर लिया और अगली कोई चीज़ मुझसे होगी नहीं, ऐसी थकावट हो जाती है मेरे लिए। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास लिमिटेड डोज रहती है, और कई बार मैं बहुत काम भी कर लेती हूँ कई कई दिन, पर वो रात मेरी बहुत अजीब जाती है, क्योंकि मैं इतना थका हुआ फील करती हूँ कि मुझे इतनी थकावट की वजह से नींद भी नहीं आती, जब आपकी बॉडी एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाती है। और दूसरा मुझे ऐसे फील होता है कि जब बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद आपका शरीर वीक नहीं होता, कि बहुत बीमारी के बाद, लाइक 5-10 दिन के बुखार के बाद आपका शरीर फील करता है, कई बार मैं वैसा फील करती हूँ, लाइक बहुत वीक एंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। वीक एंड कमज़ोर दोनों सेम बात हुई। ओके, सो गल्ला को कम करते हुए, अगर आपको मेरे ब्रशेस दिख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये इसकी मेकअप की दुकान है। नो, एक्चुअली मैं मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है मैम। ओके, सो या कटिंग शुरू करते हैं, नहीं तो फालतू गल्ला मुकेंगे या नहीं। और यहाँ पे गर्मी है और मुझे पंखा भी चाहिए। और आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं सुनने वाली हूँ कुछ। मैं अपना सुनने के लिए सारा सिस्टम लेके आई हूँ। आई हूँ, मैं बार बार रिपीट पे सेम चीज़ें सुनती रहती हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैं सुनती हूँ हर बार मुझे कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है। सो आज फिर से मैं माया एंजेलो का कुछ सुनूंगी, बिकॉज मुझे उनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत दिल को छूती हैं।
है सो मैंने मोटा मोटा लाइनिंग को एंड उसको काट लिया है. पहले मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूँगी, देन हम गला बनाएंगे. थ्रेड नीचे फिरकी में से ख़त्म आ गया है, उन पर ना पड़ेगा वो पहले. एक अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जब वो ख़त्म हो जाता है काम करते करते. दिस इज नॉट अ हैप्पीनेस. वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउटफिट. ऑलराइट दोस्तों, पक्का चल रहा है. गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ ब्रेक के बाद मैं वापस आई हूँ. ब्रेक मैंने ली थी क्या करने के लिए, चाय पीने के लिए और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये जो मेरी कुर्सी है ना इतनी अच्छी नहीं है. बैठ बैठ के मैं थक गई थी और मैंने इसको सिल तो लिया है पर फिटिंग मुझे सही नहीं लगी है. पहले मुझे टाइट लग रहा था, अब मुझे लूज लग रहा है. पहन के देखेंगे, देन मैं इसमें लगाऊंगी आर्म्स. सो या जारी करते हैं. पक्खा लगा यार, ये जो हमारे कर्ली बाल है ना ये ज़्यादा ही दुखी करते हैं गर्मी. शॉर की आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पे बहुत धूप आ चुकी है और मैं लेके आई हूँ आर्म्स को काट के. बावा काट लिया है मैंने और अब बनाएंगे इसको, सिलेंगे. और मैं अम्ब्रेला किस्म की आर्म्स बनाना चाहती हूँ, देखते हैं क्या बनता है. सो ये होने वाली है मेरी आर्म्स. सो यस, वी गोना स्टिच देम नाउ. लेट्स डू दैट ब्यूटीफुल पीपल. इस पर मैं लाइनिंग नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि और ये ऐसी अच्छी दिखती हैं. हेलो फ्रेंड्स, ओ आई गेस आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि धूप आ चुकी है. मैं वापस आ चुकी हूँ अगेन. कितने घंटे स्पेंड किए हैं आज मैंने, तीन चार घंटे. और मेरा आउटफिट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. अब सिर्फ कच्चा काम जो मैं सुई के साथ करूँगी वो बाकी है और वह मैं डाउनस्टेयर जाके करने वाली हूँ और देन हम करेंगे रिवील. वैसे ये जो मेरा आउटफिट है बहुत ही ज़्यादा बेसिक किस्म का है क्योंकि मैंने सिर्फ फैब्रिक के साथ ही प्ले किया है, लाइक सिर्फ डिज़ाइन किया है. अगर हम इसको थोड़ा लाइक ज़्यादा पार्टी वेयर बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. लाइक इसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी ऐड कर दे, कुछ चमक धमक ऐड कर दे, तो कुछ भी ऐड करें. वो मैंने नहीं किया है सो बहुत बेसिक किस्म का है. पर मैंने अभी पहन के देखा था और हस्बैंड को मैं तरह तरह की अदाए करके दिखा के आई हूँ और उनको अच्छा लगा है. सो या अब मुझे बहुत भूख लग गई. आज पूरा दिन कोई अच्छा मील नहीं खाया, सिर्फ ब्रेड और बॉयल एग के साथ एक टोस्ट खाया था. और समय क्या हुआ है, समय हो गया 7:00 और हमारे डिनर का समय है और मैं जाके नीचे कुक करने वाली हूँ. जल्दी से ये एक चीज़ करती हूँ, देन मैं क्या बोलते हैं सुई के साथ काम करूँगी, वो नीचे बैठ के कर लूँगी. सो देन हम करेंगे रिवील. आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लगेगी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी. अब इसको बना लिया है और बाकी चीज़ों को बनाने के लिए भी मेरा ना एक्साइटमेंट आ गई. वो भी जल्दी जल्दी कर लेंगे जो बाकी फैब्रिक हैं या बाकी चीज़ें हैं. नहीं तो कई बार ना एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, लाइक मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर पड़ा रहता है. अब हमारी मोटिवेशन है तो रोज़ ही कुछ ना कुछ करेंगे जब तक ठंड नहीं पहनी है. सो डन है आज के लिए, दर्जी की दुकान हो जाती है बंद. सुई एंड धागा लेके जाएंगे नीचे, जितने ही टाइम मिलेगा रोटी खा के इसको करेंगे फिनिश एंड देन करेंगे रिवील. प्लीज़ गाइज इस वीडियो को हज़ारों लाइक देना, हज़ारों करोड़ों लाइक देना, ओके. बिकॉज आपके लाइक्स बहुत अच्छे लगते हैं और कमेंट्स भी करना, दिल खोल के करना. चलो चलिए अब नीचे, लेट्स गो. डैडी, हाउ डू यू लाइक माय आउटफिट? इट्स गुड. यू लाइक इट? आई लव इट. ओके गाइस, ही लव इट.
ओके दोस्तों, तो मैं डाउनस्टेयर्स आ चुकी हूँ। अब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ खाने के लिए बना के देंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है। बस काम चोर अब ये हो रही है। दोस्तों, तो मेरे पास ये एक नेकलेस है जो आपने होपफुली किसी मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने पहना होगा। और मेरे के मन में आया कि मैं इसको गले के साथ अटैच कर लूँ। मैंने बहुत ही टेम्परेरी किस्म का अटैच किया है क्योंकि कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं रिमूव कर सकती हूँ, और इसी वजह से मैंने इसकी चेन्स एंड हुक भी रिमूव नहीं की। पर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसको परमानेंट कर लूँगी। और ये मैंने नेकलेस लिया था ऑस्ट्रेलिया से, स्टोर का नाम था डीवा, और ये मुझे सेल पे $5 में मिल गया था। और ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक आपके किसी भी आउटफिट को अच्छा कर देता है। मैंने इस आउटफिट को थोड़ा सा ग्लैम अप करने के लिए इस नेकलेस को गले के साथ अटैच कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि ये प्रिटी लग रहा है। ओके, सो ये है वो स्टाइल जो मैं बनाना चाहती थी, और अब करते हैं रिवील और आप बताएं कि आपको कैसा लगा। थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ते आन वे घर ना के तू एक एहसान वे ए उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छड़ेगा जान बढ़ के तू जान नहीं ओ कटेगा मासूमियत लुट जे गई हसा उड़ जो चेरे तो यारी रामनाथ, कहाँ हैं आप? कब आएंगे? आइए कभी हवेली पर, आइए ना। पति, ओ पति, पति, पति पढ़ने मान लो आगे। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को कर रही हूँ एडिट। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा आउटफिट अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना कि आप ऐसी और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले, जो अगर आप आज की फ़ोटोज़ भी देखना चाहते हैं। तो मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon. Bye.